हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे मैथ। मैथ में देखने वाले हैं धन, रुपया, पैसा। यहाँ हम जो तैयारी कर रहे हैं वो सीटेट, यूपीटीटी, अदर स्टेट की कोई भी टीटी है और साथ में ही सुपर टीटी की तैयारी है, तो यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी तरह के जो टीटी है, सुपर टीटी हो या फिर अदर किसी भी स्टेट की टीटी हो, यहाँ से ये आपका टॉपिक एक बनता है। और यहीं से ये एक टॉपिक है धन, धन यानी कि रुपया पैसे से संबंधित कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे देखने हैं। पहले हमने जो यहाँ पे लिया है, इसको चीजों को समझ लेते हैं। यहाँ पे है एक रुपया। एक रुपये में आपसे पूछा जाए कि कितने पैसे होते हैं, तो 100 पैसे होते हैं, वे आप जानते होंगे, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। वहीं अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक पैसे बराबर कितने रुपए होते हैं, तो वे 1/100 रुपए के बराबर होते हैं। आप देख रहे हैं, यानी कि आपसे प्रश्न किया जाए कि 5 रुपए में कितने पैसे होते हैं, तो आप 5 में 100 का गुणा कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। वहीं आपसे पूछा जाए कि 500 पैसे में कितने रुपए होते हैं, तो 1/100 कर देंगे आप, यानी कि जो पूछा जाता है, 5 पूछा जाता है, तो आप 500 लिख के 100 कर देंगे 1/100, तो आपको आंसर मिलेगा। जो आंसर मिलेगा वो रुपये में मिलेगा। तो कुछ पॉइंट हम यहाँ पे निकाल लेते हैं जो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो देखिए, आपने जो पहला प्रश्न लिया है वो कह रहा है कि 5 रुपए में कितने पैसे होंगे, आपको ये बताना है। अभी आपने ऊपर देखा या वैसे भी आप जानते भी होंगे कि 1 रुपए बराबर 100 पैसे, तो 5 रुपए बराबर क्या होंगे, 5 × 100 कर देंगे, बराबर हो जाएंगे 500 पैसे। यानी कि 5 रुपए में कितने पैसे हो जाएंगे, 500 पैसे आपके हो जाएंगे। बस यही चीज करना। और ये यहाँ पे देखिए, अब इस तरह से दे दिया है, 12 सही 1/4 रुपए में कितने पैसे होंगे। तो 12 सही 1/4 को पहले आप ये एक मिश्र भिन्न के रूप में दिया है, तो इसे साधारण भिन्न के रूप में बनाएंगे। तो 12 × 48 = 49, 49/4 क्या है, ये आपके रुपए हैं, ये आपके रुपए हैं, और इसको आपको बताना है पैसे में। तो आप इसके लिए अब क्या करेंगे, इसमें आपको क्या करना है, पैसे बताना है, तो 49/4 × 100 कर देंगे, काट देंगे, 4 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 × 2 = 8, 4 × 5 ये हो गया 25। अब 25, 49 और 25 का आप गुणा कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपको आंसर मिलेगा 1225, यानी 1225 क्या हो जाएंगे, ये आपके पैसे बन जाएंगे। यानी कि 12 रुपए, आप देख रहे हैं यहाँ से भी आप देखें तो 12 रुपए का 1200 सीधे सीधे हो गया, और 1/4 यानी कि एक सिक्के का चौथाई हिस्सा, यानी कि 25, तो यह 25 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 1225। दोनों आंसर एक ही है। अब आगे देखते हैं, ये हमने देख लिए रुपए से पैसे में बनाना। अब लेकिन पैसे से रुपए में बनाना हो तो हमने कहा था कि भाग देंगे, किसका, 100 का भाग देंगे। तब 500 पैसे बराबर कितने रुपए, आप देखिए 100 पैसे बराबर 1 रुपए, तो डायरेक्ट आप ऐसे कर लिए, या फिर आप जो ऊपर हमने बताया था आपको 1/100, तो जब 500 का पूछा जाए तो 500/100 हो जाएगा, तो आप यही चीज करेंगे, तो 500/100 आपका 100 चला जाएगा, काटेंगे तो आपका 5, यानी कि क्या हो जाएंगे, ये 5 रुपए, 500 पैसे बराबर 5 रुपए ही हो जाएंगे। अब यहाँ पे दिया है 725 पैसे, 725 पैसे हैं, तो वो कितने रुपए के बराबर होंगे, तो 725/100 क्या कर देंगे, 100 काट देंगे, तो आप अगर दशमलव ले जाते हैं तो 7.25 आएगा, अगर दशमलव न ले जाके मिश्र भिन्न के रूप में आप ले जाएंगे तो आपका आएगा 7 सही 25/100, और ये हो जाएगा। लेकिन अभी इसे छोटा करेंगे, 25 × 1 = 25 तो क्या आ जाएगा, 7 सही 1/4 रुपए। ये यहाँ पे ये जो आया है ये भी आपका सही है, और ये जो आया है ये भी सही है। वैसे आप जानते हैं कि 725 700 रुपए में आपके 7 रुपए सीधे सो देंगे, और 25 पैसे 25 पैसे, तो 1/4 किसको दिखा रहा है, 25 पैसे को, 7 रुपए अपने आप में पूर्ण संख्या है, और यहाँ पर भी वही चीज है, 7 रुपए 25 पैसे क्या है, रुपए, ये रुपए में आपका बनना है, दशमलव में आ रहा है तो ये पैसे में जाएगा, लेकिन वो कहलाता है आपका रुपए। अब इसी तरह से और दो क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये देखिए, यहाँ पे हमने लिया है 8,210 पैसे हैं, अगर उसे हम रुपए और पैसे में कन्वर्ट करें, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि पूरी तरह से ये रुपए में बन जाए, तो कुछ बचेगा तो वो हम पैसे में कन्वर्ट कर देंगे। तो यही कहा जा रहा है कि 8,210 पैसे हैं, तो उसको रुपए और पैसे में आपको दिखाना, तो कैसे दिखाएंगे, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे वही चीज है कि रुपए में बनाना है तो आप भाग देंगे, कैसे, 8,210/100 आपका 100 चला जाएगा। भाग की प्रक्रिया आप अपना लीजिए। अब भाग की प्रक्रिया अपनाएंगे तो 82.10 आएगा, यानी कि 82 रुपए 10 पैसे आपके होंगे। या आप ऐसे न करके भाग विधि अपनाएंगे तो आपका आएगा 82 सही
दस बटे में 100, ये हो गया। आप इसे सॉल्व करेंगे, काट देंगे 10, एक कम 10, 10 दहा में, तो हो जाएगा 82 सही 1/10। ये क्या बन गया आपका रुपए। वैसे आपको रुपए पैसे अलग अलग बताने हैं, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया 82 रुपए हो गए और पैसे कितने आए 10 पैसे। ये हो गया आपका आंसर 82 रुपए 10 पैसे। अब एक और क्वेश्चन देखिए किस तरह का आएगा आपके एग्जाम में। 50 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 2 सिक्के। तो 50 रुपए में तो 50 × 2 कर देंगे, बराबर हो जाएगा 100 सिक्के। अगर यहीं पे आपसे 25 पैसे का पूछ दे तो 1 रुपए में 25 पैसे कितने सिक्के होंगे, 4। तो 50 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 200। बस ये इतना करना है। वैसे इतना इजी सवाल पूछेगा नहीं, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न आपके एक्सरसाइज सीरीज में होते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर है। क्वेश्चन देखिए दिया है, एक थैले में 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे के सिक्कों का जो अनुपात है 3:4:8 है। अभी संबंध का टॉपिक मैंने आपको नहीं पढ़ा है, वो भी वीडियो आपको बहुत जल्दी डाल दूंगी। वैसे वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं वैसे क्वेश्चन में आपके आएंगे। और टोटल जो पैसे है वो 42 रुपए 90 पैसे है, और सिक्कों की संख्या क्या है ये आपको बताना है। इस तरह के 2 प्रश्न बनते हैं। यहाँ पे आपको पैसे दिए हैं, उनका अनुपात दे दिया है, रुपए कितने बनेंगे इस टोटल ये बताया गया है। लेकिन कहीं कहीं प्रश्नों में रुपए न देकर कहा जाता है कि 42 सिक्के हैं, 42 सिक्के हैं, और आपको रुपए में बताना होता है, यानी कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, और जो 10 पैसे के सिक्के हैं उनमें रुपए कितने बनेंगे ये आपको बताना है। तो यहाँ आपको बताना है सिक्कों की संख्या बतानी है। तो ये देखिए पहले कौन कौन से सिक्के हैं, 50 पैसे के, 25 पैसे के और 10 पैसे के, और इनका अनुपात क्या है, 3:4:8। यही संबंध तो है, लेकिन ये ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए पहले हम x मानेंगे। सिक्कों की संख्या क्या है, 3x। सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, 4x, और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, 8x। अब यहाँ से आपका सवाल बनेगा। देखिए इस तरह के सवालों में आपसे पूछा क्या है, रुपए दिया गया है और आपसे सिक्कों की संख्या पूछा है। जब सिक्कों की संख्या पूछी जाती है तो 100 से भाग किया जाता है। जैसे अब यहाँ पे देखिए, पहले क्या है, 50 पैसों के सिक्के की संख्या है, अगर इसे हम 100 से भाग दे दे, 100 से भाग देंगे तो हमें 50 पैसे कितने सिक्के बने ये बनेगा, और जिसमें हम गुणा कर देंगे किसका, 3x का, तो हमें टोटल सिक्कों की संख्या मिल जाएगी। और प्लस फिर वही प्रोसेस 25 पैसे के है, तो 25 × 4x बटे में आपका 100 चला जाएगा, यही प्लस हो जाएगा 8। 10 पैसे के सिक्के हैं तो 10 × 8x बटे में 100, और टोटल कितना होना चाहिए हमारा, 42 रुपए 90 पैसे। यही सवाल है। अब इसे भी सॉल्व करते चलते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसे, अगर आप डायरेक्ट काट के छोटा कर सकते हो तो कर दिए, तो 50 से पूरा कट गया, 50 × 2 यहाँ कट गया, 25 × 4 और 4 × 1 = 4 ये भी खत्म हो गया, 10 दहा में इसे भी काट के छोटा कर देंगे, 10 5 से काटेंगे और यहाँ पे 4 आ जाएगा आपका। अब देखिए बचा क्या, यहाँ पे बचा 3x बटे में 2 प्लस, यहाँ पे क्या बता, हमारे यहाँ पे सब कुछ कट चुका है, बचा है x, केवल x लिख देंगे, और यहाँ पे क्या बचा है आपका, 4x बटे में 5 बराबर क्या हो जाएंगे, 42 रुपए 90 पैसे। अब यहाँ पे बटे का जोड़ है, आप देख रहे हैं ना बटे का जोड़ है, तो यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम की वीडियो आपने देखी है तो ठीक है, नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसे भी देख लीजिएगा। तो इसे भी हम बटा मान लेंगे और क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, तो 5 × 10 इसका एलसीएम हो गया। अब इस 2 से 10 को भाग देंगे तो आएगा हमें 5, और इस 5 से 3 का हम गुणा करेंगे, जो मिलेगा उसको हम लिख देंगे, तो आ जाएगा 5 × 3 = 15x प्लस, यहाँ पे 1 हमने माना है, 10 से करेंगे तो 10 ही आएगा, तो ये हो गया 10x प्लस 5 से करेंगे तो 2 आएगा, 4 × 2 = 8 हो जाएगा, 8x बराबर क्या है, 42.90 ये आया। अब देखिए इसको हम आगे करेंगे, अगर हम इन सब संख्याओं को जोड़ देते हैं तो हमारा आता है 33/10x बराबर 42.90। अब क्या करेंगे, इनका तिर्यक गुणा होगा। ऐसी संख्या जब भी आपके सामने इस रूप में दिखाई दे तो ये समझ लीजिएगा अब आपको तिर्यक गुणा करना है। ये बटे में नहीं है, इसे हम बटे में मान लेंगे, और ये संख्याएं आपस में इस तरह से गुणा होंगी। तो x के साथ जो संख्या होती है वो नीचे चली जाती है, यानी कि भाग के रूप में चली जाती है, तो 33 की संख्या हमारी नीचे आ गई और ऊपर हो गया 10 × 42.90।
अगर हम इसे यहाँ पे काट देते हैं तो x का मान हमारे पास 13 निकल कर आ जाएगा। ये निकल कर आ गया x का मान। और आपकी जो संख्याएं हैं, जो सिक्कों की संख्या है, वो 3x है, 4x और 8x। अगर यहाँ से आपसे एक सिक्के की संख्या पूछी जाती है, कहा जाता है कि 50 पैसों के सिक्के की संख्या कितनी है, तो x का मान आपके पास 13 निकल चुका है, इस 3 में आप 50 पैसे के जो सिक्के हैं उनका मान रख देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो करना क्या है, 3 गुणित x का मान रख देंगे 13, 13 तीन 39, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं 39। अगर आपसे 25 पैसों की संख्या पूछी जाती है तो क्या है, 4x है। तो यहाँ पे देखिए 4x, 4 गुणते x का मान हम 13 रख दें, 13 चौका 52, यानी कि 25 पैसों को जो सिक्कों की संख्या है वो 52 है। वहीं हम 10 पैसों को सिक्कों की संख्या करें तो देखिए 8 दिया है और x का मान 13 है, तो आप कर देंगे तो 13 × 8 = 104, ये हो गया आंसर। यानी कि 50 पैसे को जो सिक्के हैं वो 39 है, 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो 52 है, और 10 पैसे के जो सिक्के हैं वो 104 है, और टोटल इनको हम जोड़ देंगे तो हमारे पास कितने रुपए बन जाएंगे, 42 रुपए 90 पैसे। तो इस तरह के जो प्रश्न है, और भी आपको इस तरह के दूसरे जो प्रश्न है वो अगली वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो फिलहाल के लिए केवल इतना, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।